Namaste, this is Gitu Mirpuri from Divine Touch Healing Academy. Divine Touch Healing Academy में tarot reading की classes connect होते हैं, आप ये classes online भी सीख सकते हैं. ये video बन रहा है, अगर आपका मूलांक 9 है, अगर आपका ruling number 9 है, तो आपका April, May और June month कैसे जाने वाला है? So 9 मूलांक का meaning है, आपका date of birth या तो 9 पे रहेगा, या फिर 18 या फिर 27. तो आपका करियर कैसे होने वाला है, आपका फाइनेंस और आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होने वाला है. सो करियर के लिए कार्ड आया है कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, करियर के लिए प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है. पर अगर आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको और प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है. कुछ ऐसे चीज़ों का बिजनेस कीजिए या कोई ऐसी जॉब ज्वाइन कीजिए जहाँ आपका मन लगता है, जहाँ आपका मन खुश होता है. आपके फाइनेंस के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है, आपको आपके खर्चे कट करने हैं, आपकी जो पैसे आपके रुके हुए हैं वो थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर लोगों से पैसे वापस मांगने हैं. और आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्य है, जब तक आप बड़ों की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, अपने से बड़ों की सेवा कर रहे हैं, तब तक आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव रहेगा. आपके हेल्थ के लिए कार्ड है कि फैमिली सपोर्ट एक टॉनिक है आपकी हेल्थ के लिए. जितना आप फैमिली से कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे, उतना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा. आपके आध्यात्मिक के लिए चैरियट कार्ड आया है, मीनिंग आपको आपके मटेरियल लाइफ आपके स्पिरिचुअल लाइफ के साथ बैलेंस करनी है. जितना समय आप काम करते हैं उसका 1/10 समय आपके बिजनेस में आपको देना, आपके आध्यात्मिक में आपको देना है, जिससे आपका आध्यात्मिक उन्नति भी होता रहे. अपने आप को अपग्रेड ज़रूर करें, अपना जो कीमती समय है उसे वेस्ट नहीं करें, टाइम निकाल कर कुछ नए चीज़ें लर्न करें ताकि फ्यूचर में आप कुछ नया कर सकें आपके लाइफ में. जो 9 नंबर के लोग हैं उनके लिए रेमेडी है कि आपको रेड कलर एटलीस्ट फॉर दिस ईयर 2020 में अवॉइड करना है. आपको ब्लाइंड लोगों को खाना खिलाना है, आपको लेपर्स को खाना खिलाना है, डॉग्स को खाना खिलाना है, बेड पर खाना नहीं खाना है. और आपको सिल्वर ज़रूर यूज़ करना है. घर के साउथ वेस्ट में आपको सिल्वर चेन विथ 3 क्रिस्टल बॉल्स आपको हैंग करना है, जिससे आपके लाइफ में जो राहु का प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा. आपको आपके गुस्से पे कंट्रोल करना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, मेडिटेशंस करने हैं ताकि आपका एंगर कंट्रोल हो, एग्रेशन आपका थोड़ा कम रखना है. और आपका जो आप जो भी डिसीशंस लेते हैं वो किसी से बैठ कर, घर के बुज़ुर्गों से बैठ कर आपको डिस्कस करके आपके फाइनेंशियल डिसीशंस लेने हैं, नहीं तो आपका फाइनेंशियल नुकसान होने के चांसेस हैं. और जो आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, एक ग्लोब लेना है और उसे आपको घर के साउथ वेस्ट में रखना है. घर के साउथ वेस्ट को आपको काउडंग से क्लीन करना है. जब जब आपको चांस मिलती है, आप जब भी देखते हैं आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं या गुस्से की वजह से कुछ नुकसान हो रहे हैं, तो आपको घर का साउथ वेस्ट वहाँ पे क्लीन करना है. आपको क्रिस्टल एक पेंडुलम क्लॉक लेना है, जिस वो आपको घर के साउथ वेस्ट में हैंग करना है. वो जस्ट एक डेकोरेटिव पर्पस के लिए रहेगा, उसे आप यूज़ नहीं करेंगे टाइम देखने के लिए. और जस्ट वो जब पेंडुलम चलता रहता है, डाउजर पेंडुलम जब आगे पीछे होता रहता है, तो उस समय आप का जो ऑब्स्टैकल्स है, जो राहु का प्रभाव है, वो कम हो जाता है और आपकी लाइफ ईजी हो जाती है. आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो. काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.